67 सक्सेस स्टोरीज। सक्सेस तो अचानक नहीं मिलता, वो लोगों की जर्नी होती है। जर्नी कहाँ से कैसे शुरू होती है, तो हर किताब में, हर पेज पे हर एक एंटरप्रेनर का स्टोरी लिखा है, हर वर्किंग वुमेन का लिखा है, डॉक्टर्स का लिखा है। एक एक्सीडेंट हो जाने के बाद एक लड़की ने कैसे अपना जर्नी MBBS केम हॉस्पिटल में जाके किया, फिर हाईकोर्ट से फाइट करके भी कैसे अपना जर्नी को किया। तो इसमें 67 हो गया, हमको सिर्फ 52 वीक्स ही बनाना था, बिकॉज इट्स अ जर्नल। सो अगर आप हर साल कोई भी जर्नलिंग स्टार्ट करते हो, लिखना स्टार्ट करते हो, वीक है,
उसके बाद अपना मंडे ट्यूसडे वेनेसडे सैटरडे लिखते हो, तो वो सैटरडे को आप कैसे कंप्लीट करना चाहोगे, कैसे लिखोगे, कैसे अपनी जर्नी लिखोगे, तो ये उसके बारे में। तो आजकल लोगों ने हर चीज़ मोबाइल पे लिखना है, मोबाइल पे ही स्टोरी पढ़ते हैं। ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी में कोई नहीं आता है, हमने हमारे ज़माने में लाइब्रेरी जाते थे, अब वो ज़माना चला गया, लेकिन फिर भी हम वो ज़माने को वापस ला सकते हैं ना। तो वो ज़माने को लाने के लिए हमने ये बुक लिखा है, सक्सेस स्टोरी विद जर्नलिंग, सो दैट यू मेक योर चाइल्ड, यू मेक योर सेल्फ, यू मेक योर पेरेंट्स और गिव देम, इट्स अ पर्सनलाइज डायरी। जैसा कि आपने कहा कि आजकल जो है लोगों में ज़्यादा टाइम नहीं है बुक पढ़े, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं हम जो है बुक से छूटते जा रहे हैं और हमारे जो है मोबाइल के थ्रू या इसके थ्रू हम ज़्यादा रह रहे हैं, और जो बुक में पढ़ने में मज़ा है वो कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। ये सब चीज़ें ना शॉर्ट टर्म हो गई, आज की दुनिया में शॉर्ट टर्म हो गई, तो जो भी स्टोरी भी बनती है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म होती है। ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, ये एक साल में। एक चीज़ है ना, जो हर कोई कोई भी एक ट्रेनिंग में भी आप जाओ, घड़ी घड़ी उसको देखते हो, उससे बात करते हो, तो 7 दिन 10 दिन 90 दिन अगर आप कुछ रहोगे तो जाके उसका एक पॉजिटिव चीज़ सीखोगे। तो हम लोग ये सोशल मीडिया में क्या हो गया, आज दिखा बिका नहीं बिका गया इरेज। आज सोशल मीडिया में इतनी चीज़ें दिखती हैं कि बच्चे लोगों के दिमाग में बहुत सारी बुक्स नहीं है। आप जब लिखोगे तब आपको याद रहेगा, जब आप वो पेज के सामने किसी की तस्वीर देखोगे उसकी स्टोरी से आप इंस्पायर होगे, अगले हफ्ते और एक दूसरी स्टोरी आएगी उससे इंस्पायर होगे। तो आप कभी डॉक्टर बनना चाहोगे, कभी इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहोगे, कभी एक ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना चाहोगे, कभी मॉडल बनना चाहोगे, कभी कोच बनना चाहोगे, तो इसमें हर कोई है। इसमें एक बच्चा भी है, एक स्टूडेंट भी है, लड़का भी है, मैरिड कपल्स भी है। आज हम लोग सोचते हैं कि शादी करें या नहीं करें, लेकिन एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप अगर आपके पास कपल कोच होगा तो उससे भी आप इंस्पायर होगे ना। तो आज हमको क्यों डॉक्टर्स और मेंटल कोच और कोचेस की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत सारी चीज़ों से छूट गया है। यूजुअली हम देखते हैं कि कोई ना कोई बुक रहती है तो उसकी फिल्म बनती है, तो आप क्या चाहते हैं कि इस बुक की भी फिल्म बन सकती है, कोई सक्सेस स्टोरी इस फिल्म में उसमें हो सकता है कि? हाँ, मुझे मेरी दोस्त है, ऑफ कोर्स आई एम वेरी कनेक्टेड टू नडियाडवाला फैमिलीज एंड मेनी अदर प्रोड्यूसर राइटर फैमिलीज, सो मुझे उन्होंने खुद कहा कि एक स्टोरी बताओ, स्टोरी बताओ, देर आर लॉट ऑफ पीपल वेटिंग टू लिसन टू द स्टोरी एंड मेक मूवीज। और ये जो भी पिक्चरें बनती है अचानक तो नहीं बनती है, आप लोग कुछ भी इंटरव्यू करते हो तो ऐसा नहीं कुछ भी हम बोल रहे हैं, तो इसी से इस माध्यम से जाती है कहानियाँ और लोग इंस्पायर होते हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि बॉलीवुड में जो है राइटर्स की कमी है, और राइटर्स जो है जो जैसे पहले के ज़माने में राइटर्स रहते थे उस हिसाब से जो है राइटर्स की कमी हो रही है? नहीं नहीं, कमी तो कुछ नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन जितना है उतने राइटर्स उतने हैं, और ऐसा है लोगों को चाहिए अपॉर्चुनिटी, तो हर माध्यम से नहीं नहीं है है। मैं बहुत बॉलीवुड गर्ल हूँ, सो मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि एक अच्छी स्टोरी नहीं बनती है। लोगों की चॉइसेस बहुत सारी होती है, लोगों को मुझे लव स्टोरी अच्छी लगती है तो किसी को कुछ और अच्छा लगता है, किसी को और ड्रामा, तो हर स्टोरी मिलती है, लेकिन इतनी पॉपुलेशन है तो इतनी स्टोरी निकलनी चाहिए और निकलती रहेगी। तो पहले ज़माने में हम लोग हर फ्राइडे के बाहर वो जाके देखते थे ना, वो बोर्ड में फ़ोटो किसकी लगी है, कौन सा क्या आएगा पिक्चर, तो वो इंतज़ार का वो जो लम्हा है वो ख़त्म हो गया, तो वो जो क्यूरियोसिटी है बहुत ख़त्म हो गई, तो जल्दी जल्दी पिक्चरें बनती हैं मिलती हैं, वो हो गया बस, राइटर्स बहुत है। थैंक यू सो मच। ये माध्यम से अगर मैं बोलूं कि अगर आपको आपकी स्टोरी बतानी है तो आप लोग मेरे पास आइए, मैं वो बुक के ज़रिए लोगों तक पहुंचाऊंगी, नेशनल इंटरनेशनल, दिस इज़ माय एम। और बहुत बार होता है हर एक को अपनी कहानी बताने का दिल से लगता है कि कोई मेरी बात सुने, कोई मेरी जर्नी को जाने, तो ये माध्यम से आप लोगों को बता रहे हो, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच। कॉर्नर में चले गए तो नहीं इधर, नहीं ठीक है वो है ना, नहीं 1 2 3 टेक द बुक अप, नो
Hope everybody ready. Wait. Everybody take the book in front of your face. Cover your face. Then 1, 2, 3 down. And up. Okay, so now we'll do it. 1, 2, 3, go. Down. Did you record it, Kunari? Yes. One more. More of the branding of the book. Chal, ready everybody? Murari. Chalo Murari hero banne. Wait, one more. Thank you. The past years, and it's a wonderful honor and pleasure to have you here, Manjuji. Manjuji is also featured in our book, and that's one of the examples of the inspirational stories you all will find in our book, 365 Days for 365 Stories for 365 Days. So, जब एक महिला को आगे बढ़ाती है ना, तो उससे बड़ा वुमन एम्पावरमेंट हम जो बात करते हैं वो यही होता है कि हम एक दूसरे का साथ निभाएं। तो इन्होंने अपनी इस पुस्तक के माध्यम से हमारे अंदर छिपी हुई जो भी हमारी प्रतिभा है, कई बार क्या होता है ना, पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन हमारे अंदर क्या प्रतिभा है किसी को पता नहीं पड़ती है। लेकिन इन्होंने वो एक कोशिश की कि हमारे अंदर जो है वो ये बाहर ला रही है, तो इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। इसलिए एक बार जोरदार तालियां राबिया जी के लिए। और इसके पीछे बहुत मेहनत है, एक एक जन से के पास जाना, एक एक से बात करना, उनसे पूछना आपकी क्या स्टोरी है, फिर उसे कम शब्दों में ढालना कि जो हमारे इन पेपर पन्नों पर आ सके, फिर उनके पिक्चर्स हैं, फिर सब बहुत, क्योंकि मुझे पता है मैं किताबें लिखती हूँ तब वो पहले उनको टाइपिंग करना, फिर चार पाँच बार उसको प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है, कितनी गलतियाँ होती हैं उसके अंदर, होती ही रहती है, अभी भी आपको कहीं कहीं गलती मिलेगी चाहे कितना भी हो जाए। तो इस एक किताब बनने में जैसे 9 महीने कैसे होते हैं कि माँ अपने बच्चे को कैसे कोख में रखती है, उसका कैसे एकदम सही तरह से अपना खून अपना लहू उसको देती है, वैसे ही एक किताब लिखना भी वैसे ही है कि एक बच्चे को जन्म देना है, बहुत बड़ा काम होता है ये। और मेरा ये मानना है कि ये जो किताबें होती हैं ना, ये हमारी सखी होती हैं, सहेलियाँ होती हैं, मित्रों और रिश्तेदारों से शायद कभी हमारा झगड़ा भी हो सकता है, मन मिटाव हो सकता है, लेकिन किताबों के साथ कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ये साधक और साध्य का नाता है। प्रत्येक पुस्तक अपने अंदर से दीन है, तो जो दीन मित्र के बदले में उसे 1,00,000 रुपया देगा, आज तो हम 1,00,000 रुपये की बात करेगा तो कोई रहने वाला नहीं है, लेकिन ये उस समय की कहानी है जब इस 1,00,000 रुपये की कीमत करोड़ों के बराबर थी, तो वो शर्त मान लेता है और उसका सफ़र शुरू हो जाता है उसकी मनपसंद पुस्तकों के सहारे। पहले मनोरंजक पुस्तकें हल्की फुल्की किताबें पढ़ता है, फिर विज्ञान की पढ़ता है, और धीरे धीरे वह कोई धन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब उसने एक ऐसा खजाना प्राप्त कर लिया है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता है, और जो इस जीवन में नहीं, क्योंकि ज्ञान जो होता है ना आपको अगले जीवन में भी आपके साथ जाएगा, अगले जीवन में भी आपके काम आएगा, तो उस शर्त की अवधि को तोड़कर बाहर आ जाता है। तो ऐसा होता है किताबों का साथ। और कहते हैं ना कि पुस्तकें लेने देने के बहाने कई रिश्ते बन जाते हैं, पराए अपने हो जाते हैं। हम सब ने एक पिक्चर देखी होगी, मेरे महबूब, जहाँ नायक और नायिका पहली बार टकराते हैं पुस्तकों के माध्यम से, पुस्तकें हाथ से नीचे गिरती हैं और उठाकर नायक नायिका को देता है, शायद आपका मन भी गुनगुना रहा हो, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। तो शायद आपको भी अपने पुराने दिन याद आ गए हों, कॉलेज में कहीं रोमांस हुआ होगा, ठीक है, नहीं तो पतिदेव से रोमांस करके चला सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये कि किताबों का ऐसा साथ होता है, तो मैं आज जो कुछ भी होना तो इन किताबों की वजह से ही हूँ, क्योंकि 18 साल में मेरी शादी होगी, 19 साल में पहला बच्चा, 21 साल में दूसरा बच्चा, तो मैं ज़्यादा पढ़ी तो थी नहीं, फर्स्ट ईयर पास थी, लेकिन मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल में भी होती थी ना, तो जो कोर्स की किताबों के बीच में छुपा कर कहानियों की किताबें पढ़ा करती थी, इतना ज़्यादा शौक था। कर्नल रंजीत, वेद प्रकाश शर्मा, गुलशन नंदा से लगाकर महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैंने मतलब सब नीरज की सब लेखकों को मैं पढ़ती हूँ और कई पत्र पत्रिकाएँ पढ़ती हूँ, तो आज वो उन्हीं की वजह से ये दो शब्द आज मैं बोलने लायक बन सकती हूँ।
नहीं तो मुझे ना कभी कुछ बोलना आया था, ना कभी मैं स्कूल कॉलेज में मंच पे गई थी, ना माइक हाथ में लिया था, लेकिन बिकॉज क्योंकि मैं सारा क्रेडिट इन किताबों को देती हूँ। और एक बात है कि किताबें खरीद कर पढ़नी चाहिए, जो हम गूगल में किंडल में जाके पढ़ते हैं, लेकिन जो किताबें हाथी ने हमको सोने की थाली में लाकर नहीं दिया था, आओ वही खड़ा तुमको स्टेज मिल रहा है, नहीं, इन्होंने भी बहुत मेहनत की तब जाकर उनको ये स्टेज मिला है। उसी तरह से उन्होंने हम सबको भी ये स्टेज, ये मंच देने की कोशिश की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि आओ हम सब मिलकर, देखिए मैं ना बहुत बोलती हूँ आपको बता रही हूँ, मेरी बैठने की जगह हमको घंटों खड़े रह के बोलने की। ऐसे एक महिला उठी इतना बड़ा हाथ में चाकू और सीधी मेरे पास मंच पर आ गई और मेरे पास आकर खड़ी मुझे ऐसे चाकू दिखा रही है। मैं मारे डर के थर थर कांप रही हूँ कि बार मेरा अभी क्या होगा पता नहीं, मैं गई तो मुझे वो धीरे से फिर कानों में बोलती, आप बिल्कुल डरो मत, घबराओ मत, आपको जितना बोलना है बोलती जाओ, मैं उसको ढूंढ रही हूँ जिसने आपको यहाँ बुलाया है। मैं ऐसा पूरा नहीं करूँगी। सबसे बड़ी चीज है, बाकी और कुछ भी नहीं किया तो चलेगा, ढाई अक्षर प्रेम के जिसने पढ़ लिए ना उसने सब कुछ पा लिया, सबसे बड़ी बात तो वो यही है। प्रेम से बड़ी कोई चीज कहते हैं ना, अब आप एक बार मंदिर में गए पूजा कम की चलेगा, लेकिन आप अपने आसपास के रहने वाले लोगों से अगर प्रेम करते हैं, उनके सुख दुख में भागीदार बनते हैं ना, तो सबसे बड़ी पूजा होती है। तो आप वो काम कर रहे हैं मंजू जी, मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती हैं, एक इतने सक्सेसफुल बिल्डर का और बॉम्बे के नहीं शायद वो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, तो उनकी भी तुम्हें याद है क्या प्रिय उस दिन की, जब नए कोट के बटन होल में तुमने चुपके से लगा दी थी वह गुलाब की कली, फिर कुछ शर्मा कर घबरा कर बोली थी, इसे खेल समझकर फेंक न देना, ये प्रेम भेंट है पहली, कुसुम कली का वह कब की सूखी, फट गया ट्वीट का नया कोट भी, किंतु बसी है सुरभि हृदय में आज भी, जो उस दिन उस कलिका से निकली, उस कलिका से फूल की कली। प्लीज कैन आई रिक्वेस्ट पायल टू जस्ट गेट तस्नी मोतीवाला फूल। अच्छा बोलते हैं आपको, इतना हंसाएंगे भी, मतलब उनसे प्रेरणा मिलती है एक्चुअली बहुत ज्यादा। प्रेरणा बाजू में नहीं रहती मगर शांति रहती है, रूपा रहती है, भावना भी रहती है, भावना भी रहती है, भावना भी रहती है। आइए गोपियों के बीच में कृष्णा का तो काम ही हो गया। अभी उनसे मिलके एक बात मुझे याद आई, कुछ नहीं है हम में रिक्त यानी खालीपन। सूफीज्म में भी रिक्त पे बहुत जोर दिया गया है कि खालीपन में ही ईश्वर की उपलब्धि होती है, जब तुम अपने आप को खाली नहीं करोगे तो
तो ईश्वर प्रकट कैसे? तो रित अगर हो जाओगे तो उसमें रित पैदा हो जाएगी। रित यानी क्या? जो संचालन करने वाली जो एलिमेंट है, रेगुलेटरी एलिमेंट, रित। और रित में से निकलेगी ऋतु, और ऋतु से निकलेगी रिदम। और ये रिदम है ना, जो वो शिव जी की है, डमरू की, वो रिदम और हमारे हृदय की रिदम, हृदय रिदम अगर उसके साथ मेल खाती है, तालमेल खाती है, तो हम ईश्वर की भांति हो जाते हैं। आंकड़ा लगा दिया आपने? All the people who've been featured in the book and are present here, if we could have you all on the stage so that we could take a picture. Payal? Where is Payal? Everybody look here please. Everybody in the camera please. Mobile पीछे। बाकी सब भी आ जाइए please। मिक्की सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये 365 स्टोरीज के लॉन्च के लिए आए हैं, क्या कहेंगे इस बुक के बारे में? आगे चल के 365 पिक्चर देखने को मिलेगी, कि हर स्टोरी की एक पिक्चर बनेगी OTT, और उसके संवाद मंजू जी लिखेंगे, विशेष टिप्पणी राबिया करेगी। तो नहीं, ये आइडिया बहुत अच्छी है, क्योंकि 365 औरतों को एक एक्सप्रेस करने का मौका मिला है, कम्युनिकेट करने का, और अंदर की जो भावना है, जो उनके अंदर जो दबा पड़ा हुआ था, उसको एक्सप्रेस करने का एक मौका है। लोगों को पता चलेगा, उसको उनको भी प्रेरणा मिलेगी, और आगे चल के दिस कैन बी अ रेगुलर फीचर ईच ईयर 365 डेज। आई थिंक मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि अगर वंस इन 2-3 मंथ्स इफ मंजू जी कैन मेंटर द क्वालिटी ऑफ राइटिंग एंड द क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग एंड ओरेटरी स्किल्स, आई एम टेलिंग यू ऑल यू वेमेन विल डू वेरी वेरी वेल, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रांड, फॉर योर पर्सनल ब्रांड, कि एक तो आप इतनी गहराई से बोलो, और जो शब्द आपने सीखे हैं और कविता आपने सुनी है, उसको सिर्फ कहा सुना मत करो, मगर उसको दोहराने की कोशिश करो, एंड बी योर सेल्फ एंड प्लीज लर्न अंडर हर मेंटरशिप, दैट वुड बी वेरी गुड। मिक्की जी ने इतनी तारीफ कर दी, ऑनेस्टली मैम आप क्या कहेंगे राबिया जी की लॉन्च के बारे में? बहुत सुंदर कार्य किया राबिया जी ने, ये वाकई में वुमन एम्पावरमेंट जो हम बोलते हैं ना, सही मायनों में यही है, जहाँ एक नारी दूसरी नारी को आगे बढ़ाती है। तो राबिया जी को मैं इसके लिए बहुत साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ, और हम सब महिलाओं ने इसमें अपने, जैसे कहते हैं ना, कई बार हम अपनी जो चीज़ें होती है बाहर नहीं लाना चाहते, कि किस तरह से मैं क्यों कहूँ, कैसे कहूँ, कोई मुझे कुछ कहेगा, लेकिन यहाँ हमने हमारे मन की सारी बातों को इस पन्नों पे लिख दिया है, ताकि लोग इनको पढ़ें और हमसे प्रेरणा लेकर, अगर उनके जीवन में भी कोई कठिनाइयाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो वो वहीं रुक नहीं जाएँ, कि हर एक के जीवन में रुकावटें आती हैं, हमें आगे चलना है, कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। Awesome.